हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दो स्टेट यूनिवर्सिटी की वैकेंसी को कवर करने वाली हूँ। इन दोनों वैकेंसी में कैंडिडेट ऑफलाइन मोड में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी के नॉर्म के अकॉर्डिंग होगी। फर्स्ट वैकेंसी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी है, जबकि सेकेंड वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट कैटेगरीज वाइज एप्लीकेशन फीस पेड करनी है। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है, जॉब लोकेशन क्या होगी, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में तक बने रहें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हर रू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप यूजीसी नेट, सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी आई है गोविंद पल्लव पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से। ये उत्तराखंड की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये इसकी एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। यहाँ से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ से टोटल 7 कॉलेज से वैकेंसी है, जिसकी पोस्ट वाइज डिटेल को आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप कॉलेज नेम को देख सकते हैं। ये सीट प्रोफेसर के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी वैकेंसी अवेलेबल है। फर्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें प्रोफेसर के लिए 16 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 20 सीट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 24 सीट की वैकेंसी है। देन कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड साइंस में वैकेंसी है। इसमें प्रोफेसर के लिए 5 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है। कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस में वैकेंसी है। इसमें प्रोफेसर के लिए 21 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 23 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 19 सीट है। कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में वैकेंसी है। इसके अंदर में प्रोफेसर में 10 सीट अवेलेबल है, एसोसिएट प्रोफेसर में 17 सीट अवेलेबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 17 सीट अवेलेबल है। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है। इसमें प्रोफेसर के लिए 21 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 31 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 11 सीट की वैकेंसी है। कॉलेज ऑफ फिशरीज में वैकेंसी है, जिसमें प्रोफेसर के लिए 2 सीट अवेलेबल है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 सीट अवेलेबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 सीट अवेलेबल है। 7 नंबर में कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में वैकेंसी है, जिसमें कि प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। देन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है एंड फिजिकल एजुकेशन में 4 सीट अवेलेबल है। इस तरह से गाइज, यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 75 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 99 सीट की वैकेंसी है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 79 सीट की वैकेंसी है। अब इन कॉलेज के किन किन सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी है, इसकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ से आप सभी कॉलेज की कैटेगरीज वाइज सीट को देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। ये अलग अलग पोस्ट की अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज दी गई है। ये सीट यहाँ पर प्रोफेसर के लिए अवेलेबल है। प्लांट पैथोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, वेजिटेबल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रोनॉमी। देन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड एंटोमोलॉजी। देन यहाँ कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में वैकेंसी है। प्रोफेसर के लिए यहाँ पर इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइन। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज।
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में वैकेंसी है। देन यहाँ कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस में वैकेंसी है। प्रोफेसर के लिए यहाँ पर इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। इन डिपार्टमेंट में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। ये वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। देन कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमनिटीज की डिटेल दी हुई है। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन एंड फिजिकल एजुकेशन। तो आप जिस कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे उसकी डिटेल को देख लेंगे। यहाँ से कॉलेज वाइज बैकलॉग वैकेंसी की डिटेल को भी आप देख सकते हैं। ये भी सारी कॉलेज की अलग अलग दी गई है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 1500 रुपीज है फॉर UR एंड OBC कैटेगरी, 1000 रुपीज है फॉर EWS, 750 रुपीज है फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। एप्लीकेशन फीस के लिए कैंडिडेट को डिमांड ड्राफ्ट बनानी है जो कि इन फेवर में बनेगी। कैंडिडेट को यहाँ पर ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, उसे फिल करेंगे, उसके साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को इनक्लोज करेंगे एंड उसे यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर सेंड कर देंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का एड्रेस दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे कैंडिडेट को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म 15 जुलाई 2024 तक यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर रिसीव हो जानी चाहिए। यहाँ से आप इसके पे स्केल को देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 रहेगी, एंट्री पे 57,700 रुपीज। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13 है, एंट्री पे 131,400 रुपीज। प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14, एंट्री पे 144,200 रुपीज रहेगी। गाइज अप्लाई करने से पहले इसकी फुल डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे। अब नेक्स्ट वैकेंसी की डिटेल को देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी वीर माघो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आई है। फॉर्मली इसे उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के लिए आई है एंड ये यूनिवर्सिटी के 9 कैंपस के डिफरेंट डिपार्टमेंट से आई हुई है। इसकी डिटेल को आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ नेम ऑफ द कैंपस दिया हुआ है। ये कैटेगरीज वाइज सीट दी गई है एंड ये किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है ये डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट कैंपस है इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, इसके इन डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी है। देन ओमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, इसके इन डिपार्टमेंट से यहाँ पर वैकेंसी है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर, इसके इन डिपार्टमेंट से यहाँ पर वैकेंसी है। देन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टनकपुर से यहाँ पर वैकेंसी है। इस कैंपस के इन डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। नन्ही परी सीमंत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पित्तौरगढ़ में यहाँ पर वैकेंसी है, इसके लिए कैंडिडेट इन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। देन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉन उत्तरकाशी में यहाँ पर वैकेंसी है, इसके लिए कैंडिडेट इन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून में वैकेंसी है, इसके लिए कैंडिडेट इन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी देहरादून में वैकेंसी है, इसके लिए कैंडिडेट इन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट देहरादून, इसके लिए कैंडिडेट इन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि डिपार्टमेंट वाइज दी गई है। तो आप जिस डिपार्टमेंट से अप्लाई करेंगे उसकी डिटेल को देख लेंगे। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज है फॉर जनरल कैंडिडेट, 250 रुपीज है फॉर SC ST OBC एंड EWS कैंडिडेट। एप्लीकेशन फीस के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनानी है जो कि इन फेवर में बनेगी। यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे इसकी डिटेल को आप यहाँ से देख सकते हैं। आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ द सेम। द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड द डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट ऑफ द एप्लीकेशन फीस शुड बी सेंड थ्रू। कैंडिडेट स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय हैंड रजिस्टर्ड सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए एड्रेस दिया हुआ है, लेटेस्ट बाय 5 PM ऑन 4 जुलाई 2024। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।